सहारनपुर में बेखौफ खनन माफिया ने रॉयल्टी टीम को पीटकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। सहारनपुर के कोतवाली बेहट इलाके में जमकर अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन करने वालों के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पप्पी नाम का युवक बिना रॉयल्टी के ही खनिज के वाहन निकाल रहा है। यही नहीं, रॉयल्टी वसूलने वाली टीम को भी खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। आपको बता दें कि बेहट इलाके के बढ़ते गांव में पप्पी नाम का व्यक्ति जमकर अवैध खनन कर रहा है। रोजाना पप्पी अवैध खनन की सैकड़ों गाड़ियां निकालता है, जिससे सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है। शुक्रवार को रॉयल्टी वसूलने वाली टीम ने जब पप्पी की गाड़ियां रोकी तो इससे खिन्न होकर पप्पी ने अपने गुंडों के साथ मिलकर रॉयल्टी की टीम के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ियां भी तोड़ दी। वीडियो में तस्कर दबंगे से बात कर रहा है और खनन लाने की बात कर रहा है। वीडियो में तस्कर पप्पी ने अपने दबंग लोगों के साथ मिलकर रॉयल्टी कर्मी के साथ मार पिटाई की। वीडियो में सभी के हाथों में लाठी डंडे देखे जा सकते हैं। सहारनपुर से दस्तक टीवी के लिए अबरार अहमद की रिपोर्ट। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।